हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, हम आपके साथ इस कार्यक्रम में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो शुक्र ग्रह को लेकर के बात करने जा रहे हैं आपके साथ। और ये जो शुक्र ग्रह हैं इनके विषय में कुछ ज़्यादा और बताने की अब मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आप में से बहुत लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शुक्र जो हैं वो किन किन चीज़ों के कारक होते हैं ज्योतिष में। मैं आपको बहुत एक लाइन में ही बताना चाहूँगा, क्योंकि आगे चर्चा हो चुकी है हमारी कई बार इस बात को लेकर के, कि शुक्र जो हैं सुखों के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, वैभव के कारक हैं। और ये मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र की पोजीशन जितनी अत्यधिक मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी शुक्र की पोजीशन, उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और आराम का भोग वो व्यक्ति ज़्यादा करेगा, सुख सुविधाओं का भोग करेगा, ऐश और आराम की जिंदगी जिएगा वो। तो शुक्र जो है व्यक्ति को यही सब देते हैं, वैभव, सुख, सुविधाएं, लग्जूरियस लाइफ देते हैं शुक्र व्यक्ति को। तो अब क्योंकि शुक्र देव जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं ये भी बताएंगे और कब तक रहेंगे वो उस राशि में जहां जा रहे हैं, ये सारी बात आपको बताएंगे। और क्योंकि 12 लग्न राशियों की बात करनी है हमने, अलग अलग लग्न राशि के जातकों पर शुक्रदेव की राशि परिवर्तन के किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे आप जातकों को, ये सारी चर्चा करेंगे आपके साथ इसी कार्यक्रम में। तो आपको बता दें कि ये पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित होगा, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। तो प्रिय साथियों, शुक्र ग्रह 31 अगस्त यानी इसी महीने की 31 तारीख को 2022 दिन बुधवार होगा और तिथि होगी चतुर्थी। उस दिन शाम को 4:18 पर जो शुक्रदेव हैं ये अपनी शत्रु राशि कर्क में हैं और यहाँ से निकलेंगे ये 31 अगस्त को बुधवार के दिन, चतुर्थी के दिन। और यहाँ से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि से निकलेंगे, जैसे मैंने कहा कर्क इनकी शत्रु राशि है, और जाएंगे जहाँ पर वो भी इनकी शत्रु ही राशि है, यानी कि ये अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 31 अगस्त को बुधवार के दिन। और इस राशि में फिर ये 24 सितंबर 2020 तक बने रहेंगे, तकरीबन 24 दिन। हालांकि राशि तो इनकी जरूर शत्रु होगी ये सिंह राशि जहां पर ये रहेंगे 24 दिन, मगर जिस नक्षत्र में इनका संचार होगा इस ड्यूरेशन में 31 अगस्त से 24 सितंबर के बीच, तो जब इनका प्रवेश होगा सिंह राशि में तो उस समय इनका प्रवेश अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। और ये मघा नक्षत्र में रहेंगे 8 सितंबर तक, 31 अगस्त से लेके, और 11 सितंबर से ये फिर अपने ही नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में संचार करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। 19 सितंबर तक ये यहां रहेंगे, फिर अपने नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में संचार करेंगे सिंह राशि में रहते हुए। और फिर ये 21 सितंबर से 21 सितंबर से ये अपने शत्रु ग्रह सूर्य के नक्षत्र में इनका प्रवेश होगा 21 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, वहाँ ये फिर 30 सितंबर तक रहेंगे, लेकिन 24 सितंबर तक तो ये सिंह राशि में ही रहेंगे, 24 के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है। मैंने जैसा कहा कि 31 अगस्त से लेकर के हम ये मान करके चलें कि 21 सितंबर तक ये या तो अपने नक्षत्र में रहेंगे या अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि राशि जरूर इनके शत्रु ग्रह की होगी जिसमें ये रहेंगे। और आगे की बात आपको बताएं, इस सिंह राशि में इनका साथ अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ ही रहेगा 17 सितंबर तक, यानी कि जिस दिन इनका प्रवेश होगा सिंह राशि में 31 अगस्त
2022 दिन बुधवार को, उसी दिन से लेकर के और 17 सितंबर तक जो इनका साथ और इनका संबंध बनेगा अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बनेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में मौजूद रहेंगे और 17 सितंबर को वो वहाँ से अपनी राशि से निकलेंगे। तो तकरीबन 17 दिन ये सूर्य के साथ रहेंगे अपने शत्रु ग्रह के साथ, शत्रु राशि में, शत्रु के घर में, शत्रु के साथ। लेकिन एक अच्छी बात ये रहेगी कि ये अपने नक्षत्र में रहेंगे या तो उस दौरान, या फिर अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे 21 सितंबर तक। तो ये तो स्थिति इनकी जो रहने वाली है उसके विषय में हमने आपको जानकारी दी है। अब आपसे आगे बात करेंगे कि भाई मेष लगन से लेकर और मीन लगन राशि के जातकों को ये शुक्र की जो ये स्थिति होगी राशि परिवर्तन वाली 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक की बीच की, जो इसमें आप सभी को किस प्रकार के शुक्र के द्वारा परिणामों की प्राप्ति होगी, किस किस क्षेत्र में अच्छे होंगे या नहीं होंगे, इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। विशेष तौर पर जहाँ इनके परिणाम आपको मिलने हैं जिन क्षेत्रों से संबंधित, उन्हीं की चर्चा आपसे हम करने वाले हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में आपको बताने जा रहे हैं अब शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के द्वारा मिलने वाले परिणामों के विषय में। तो साथियों, आप मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में शुक्र जो हैं एक तो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं। हालांकि सूर्य के साथ, जैसा मैंने कहा, ये जो रहेंगे 17 सितंबर तक 31 अगस्त से लेके, तो है तो ये राजयोग, लेकिन क्योंकि ये इनके शत्रु ग्रह भी हैं तो राजयोग का परिणाम तो आपको देंगे ये, उसके तो अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में मिलेंगे या थोड़ा सा देर सवेर हो सकती है, उसमें आगे पीछे हो सकता है समय। अब किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं इसके विषय में बता दें। देखिए, आपकी इनकम को लेकर के, जो आपकी आय है, अगर उसमें कोई रुकावट है या कोई बाधा है या किसी प्रकार का कोई भी इस तरीके का है समस्या, तो शुक्र उसको काफ़ी हद तक दूर करेंगे, यानी कि आपके जो इनकम के रास्ते हैं उसको प्रॉपरली खोलेंगे ताकि धन आपके हाथ तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के। इसी प्रकार आपके मित्रों का भी सहयोग आपको मिल सके। हालांकि सूर्य वहां पर थोड़ा सा समस्याएं बनाएंगे, लेकिन शुक्र पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आपके मित्रों का भी सहयोग प्राप्त हो, धन का भी आगमन आपको बना रहे। और जो छात्र हैं, छात्रों के लिए बहुत अच्छा एक संयोग बन रहा है ये सूर्य शुक्र का। ये छात्रों को, जो मेष लगन राशि के छात्र हैं, उनको अपने एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति ये कराने वाले हैं। यानी कि अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई पर फोकस किया तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत ही अद्भुत होंगे, जो आपको जिनकी उम्मीद भी नहीं होगी। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं ये योग सूर्य शुक्र का आपको। और मैंने जैसा कहा कि धन के आगमन का भी रास्ता खोलेंगे ये, और थोड़ा बहुत आपको जो है सेविंग की दिशा में भी आपको सपोर्ट करेंगे कि आप सेविंग कर सकें। तो ये स्थिति रहने वाली है। और जो लव रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनका भी शादी का योग बन रहा है इसके द्वारा, शुक्र शुक्र के द्वारा विवाह का योग बन रहा है। तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं, हालांकि उसमें थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, लेकिन दिक्कतों से भी अगर आप पार निकल गए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएगा विवाह का। आगे चर्चा करेंगे वृषभ लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी टॉरस असेंडेंट बेस जातक। तो देखिए, वृषभ राशि के तो स्वामी शुक्र हैं, वीनस हैं, और वीनस यहाँ पर क्योंकि उनकी जो वृषभ राशि है वो लगन भाव में पहले हाउस में है, फर्स्ट हाउस में। दूसरा राशि उनकी जो तुला राशि है वो छठे भाव में है, सिक्स हाउस में। तो ये जो है, एक तो लगन भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में, एक छठे भाव के स्वामी हैं सिक्स हाउस के, और ये फोर्थ हाउस में रहेंगे सूर्य के साथ। तो यहाँ पर ये राजयोग है, यूँ तो बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन इस राजयोग की थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कमियाँ भी रहेंगी जिनका आपको परिणाम के तौर पर सामना करना पड़ेगा, परिणामों की प्राप्ति ऐसी होगी। और ये क्या है, देखिए वो ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि की कोई डील करने जा रहे हैं, जमीन जायदाद, कोई कोठी बंगला फ्लैट मकान आदि कोई खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपके लिए शुक्र जो है सुलभ कराएंगे और आप आसानी से ये परचेजिंग डीलिंग
चाहे बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, वैसे तो खरीदारी के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर कोई वाहन आदि खरीदने का भी काफ़ी अच्छा योग बन रहा है प्रॉपर्टी और वाहन का आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का। साथ ही जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं समस्याओं के उपरांत आपके रास्ते भी जो है ये आसान करेंगे शुक्र। कार्य क्षेत्र में बाधाओं के बावजूद कहा है हमने, कुछ रुकावटें भी आएंगी, कुछ थोड़े बहुत चैलेंज जरूर आएंगे, बावजूद उसके आप अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहेंगे, आगे बढ़ने में उन सब परेशानियों के बाधाओं के बावजूद, तो ये शुक्र आपको करेंगे। और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके विरोधी पक्ष हैं, या अगर कहीं कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला चल रहा है, तो वहाँ पे अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो पूर्ण रूप से वर्डिक्ट आपके फेवर में चला जाए 100%। वहाँ थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, हो सके तो डेट एक्सटेंड करा लें आप। आगे बात करेंगे मिथुन लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनकी बात करेंगे। आपके चार्ट में साथियों शुक्र जो है एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि द्वादश भाव के, और दूसरा 5th हाउस के लॉर्ड हैं पंचम भाव के, और ये कहाँ 3rd हाउस में इनका प्लेसमेंट होगा जब ये 31 अगस्त को आएंगे यहाँ सिंह राशि में, 3rd हाउस में जहाँ पर है सिंह राशि, सूर्य के साथ रहेंगे 17 सितंबर तक, बाकी 24 सितंबर तक तो ये यहाँ पर बनेंगे 31 अगस्त से लेकर, जब मैं बता ही चुका हूँ आपको ये सब बातें चर्चा के आरंभ में। तो यहाँ पर जो इनका सूर्य शुक्र का योग बन रहा है, ये स्थिति कुछ ऐसी है कि देखिए एक तरफ तो आपका जो एनर्जी लेवल है वैसे तो अच्छा मेंटेन रहेगा सूर्य के कारण, लेकिन शुक्र जो है थोड़ा सा आलस भी देंगे यहाँ पर आपको। आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर ये भी होगा मन, एक मन आपका ये भी करेगा चलो आज आराम कर लेते हैं, कल कर लेंगे तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सुबह को सोचा तो शाम को कर लेंगे, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन रहेगी दिमाग में। और भाग्य का भी आपको मिला जुला सहयोग प्राप्त होगा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी महसूस होगा कि भाग्य आपका साथ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी लगेगा कि भाई मेरा काम तो बहुत आसानी से बन गया, मुझे इतना उम्मीद नहीं था, तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए खर्चे भी आपके थोड़ा सा अधिक रहेंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी आपके ऊपर जब तक शुक्र यहाँ बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। छोटी मोटी यात्राएं अगर आप कुछ करते हैं वो जरूर आपकी जो है लाभप्रद रहेंगी, उन यात्राओं से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि जो मिथुन लग्न राशि के छात्र हैं विशेष तौर पर, उनको अपनी पढ़ाई से जरा सा भी अगर उनकी लापरवाही होती है, जरा भी अगर आप केयरलेसनेस आपने दिखाई, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित हो बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा, और अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर रहे, सिंसियर रहे, तो आप आराम से रिजल्ट लेकर के निकल आएंगे, ये स्थिति आपकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जातक, तो आपके चार्ट में शुक्र जो है 11th हाउस के लॉर्ड हैं एकादश भाव के, वहाँ पर उनकी वृषभ राशि है, और दूसरा 4th हाउस के लॉर्ड हैं चतुर्थ भाव के, वहाँ तुला राशि है, और बैठेंगे अब ये 31 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक कहाँ 2nd हाउस में, जहाँ सिंह राशि है सूर्य के साथ। प्रिय साथियों आपको हम बताना चाहेंगे कि आपकी जो वाणी है, लोगों के साथ आपका जो व्यवहार रहेगा इस अवधि में, विशेष तौर पे 17 सितंबर तक 31 अगस्त से लेके, तो ये मिला जुला रहेगा। कहीं आप जहाँ आप ये समझेंगे कि यहाँ सॉफ्टनेस की ज़रूरत है, वहाँ आपकी वाणी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, लगेगा भाई आप तो बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, और जहाँ थोड़ा कड़क वाणी की आवश्यकता होगी वहाँ आप कड़कनेस भी दिखाएंगे वाणी में, तो ये दोनों तरीके की चीज़ें आपकी चलेंगी। और बुज़ुर्ग जो हैं आपके घर के बड़े, उनका भी आपको एक तरीके से मिला जुला ही सहयोग रहेगा, और ज़्यादा ना तो उनका कोई बहुत अधिक प्यार आपको प्राप्त होने वाला है, और ना ही कोई ऐसा भी होगा, सामान्य स्थिति रहेगी उनके साथ, घर के बुज़ुर्गों के साथ नॉर्मल। और आपका जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान्य ही संबंध बने रहेंगे जब तक सूर्य शुक्र का साथ रहेगा।
सूर्य जब यहाँ से 17 को निकल जाएंगे तो 24 तक शुक्र रहेंगे, तब तो स्थिति में बहुत तीव्रता से परिवर्तन होगा। आपके बुजुर्गों का भी प्यार आपको मिलेगा 17 तारीख के बाद से 24 तक, और आप सभी के साथ बहुत सॉफ्ट अपना बिहेवियर रखेंगे, बोलचाल में बहुत अच्छा रहेंगे, म्यूजिक संगीत आदि में भी आपका रुचि बढ़ेगा, इस ओर भी आपका अधिक रुचि रहेगा। और जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको होगी, विशेष रूप से 17 से लेके और 24 तक का जो समय होगा। यूं तो धन की स्थिति तो पूरे महीने ही आपकी अच्छी रहने वाली है और सेविंग्स भी आप अच्छी कर पाएंगे, तो धन का आगमन और धन का सेविंग ये दोनों ही स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाली है सूर्य शुक्र के कारण। आगे बात करते हैं सिंह लग्न राशि के जातकों के विषय में। लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी वृषभ राशि है, और दूसरे हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड, वहाँ तुला राशि है। और सूर्य शुक्र की स्थिति जो है वो आप सिंह लग्न राशि के जो जातक हैं उनके लग्न भाव में बनेगी 1st हाउस में। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र का यूँ तो देखा जाए बहुत सुंदर राजयोग है, लेकिन क्योंकि आपस में शत्रु भी हैं तो ये राजयोग का अगर हम कहें तो पूरा फल, पूरा रिजल्ट 100% तो आपको मिलने में थोड़ा सा कमी रहेगी, लेकिन फिर भी ज़रूर मिलेंगे अच्छे रिजल्ट। थोड़ा दिक्कत के साथ मिल सकते हैं, थोड़ी रुकावट के साथ मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे। थोड़ी कम मात्रा में मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूर मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होने वाला है आपके व्यक्तित्व का होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी इस योग के कारण। आपकी बात जहाँ भी आप करेंगे, समाज में, परिवार में या अपने कार्य क्षेत्र में, वहाँ आपकी बात को पूरा वजन दिया जाएगा, आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। तो ये एक चीज़ रहेगी, लोग आपकी बातों से, आपके कार्यों से आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। और परिवार, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन, वो भी 17 तक तो मिला जुला रहेगा, और 17 के बाद से लेकर 24 सितंबर तक जब तक शुक्र रहेंगे सिंह राशि में, बहुत ही आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और अपने जीवन साथी के प्रति कमिटेड भी रहेंगे और बहुत अच्छा वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करेंगे 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच। आगे बताना चाहेंगे आपको, कार्य क्षेत्र में आपका चारों तरफ चौतरफा आपको सभी ओर से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। यानी कि आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे, जो भी असाइनमेंट हाथ में लेंगे, जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेंगे, उसमें सब में आप सफल होंगे। बहुत अच्छा पीरियड निकलेगा आपका। तो प्रिय साथियों, ये स्थिति आपकी बनेगी। आगे बात करते हैं कन्या लग्न राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ तुला राशि है, और दूसरे वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के, जहाँ पर उनकी वृषभ राशि है। और इनका सूर्य और शुक्र का संबंध बनेगा द्वादश भाव में, क्योंकि सिंह राशि है वहाँ पर। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं और उसके लिए बाहर जाना चाहते हैं कहीं विदेश वगैरह में, तो अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी बात बन सकती है। दूसरी बात कि जो कार्य क्षेत्र से संबंधित लोग हैं उनको भी अपने कार्य के सिलसिले में कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि उसमें खर्चा भी आपका अच्छा खासा होगा, आपकी पॉकेट भी लूज होगी। वैसे भी खर्चा तो आपका होना ही है, और ये खर्चा जो है विशेष रूप से आपके अपने ही ऊपर होगा। आप अपने थोड़ा सा लुक के ऊपर अधिक ध्यान देंगे, आपका फोकस अधिक रहेगा, आप चाहेंगे कि मैं, मेरा लुक अच्छा रहे, मैं आकर्षक लगूं, तो इस तरीके के आप पहनना ओढ़ना, ये सब चीज़ आपका आउटफिट वगैरह जितनी भी हैं उनको लेकर के आप जो है अपना अच्छा पैसा अपने ऊपर खर्च करना पसंद करेंगे इस अवधि में 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के बीच। तो खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन खर्च उतना ही अच्छा रहता है कि जितना जेब पर भारी ना हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी भी स्थिति बनती दिख रही है कि आय से अधिक खर्चा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। और विरोधियाँ, विरोधी जो होंगे आपके, अपोनेंट्स जो होंगे, शत्रु पक्ष कह सकते हैं, उनकी ओर से 17 सितंबर तक तो आपको एक तरीके से ऐसा लगेगा कि थोड़ा भय बना रहेगा, लेकिन 17 सितंबर के बाद से जो स्थिति है उसमें से आपको लगेगा कि भाई एकदम बहुत ही
शीघ्रता के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो आपके विरोधी पक्ष के लोग थे वो अचानक शांत हो गए। ये स्थिति 17 के बाद बनेगी। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो वहां पर भी 17 के बाद आपके फेवर में वर्डिक्ट आने की पूरी अच्छी संभावना बन रही है। तो यह स्थिति आपकी बनने वाली है, ऐसी स्थिति रहेगी। बस धन के खर्चे के ऊपर, अपना जो धन है आपका उस पर नियंत्रण रखिएगा, खर्च की अधिकता ज्यादा बनती दिखती है। आगे प्रिय साथियों बात करेंगे तुला लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं आप। तो देखिए आपके चार्ट में, देखिए तुला राशि क्या है। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र उसके लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। अब क्योंकि तुला राशि आपके लग्न भाव में है और जो वृषभ राशि है उनकी दूसरी राशि वो आपके एर्थ हाउस में है चार्ट में, तो ये लग्न भाव और एर्थ हाउस के लॉर्ड हो गए आपके चार्ट के मुताबिक शुक्रदेव। और इनकी जो इस समय परिवर्तन के बाद जो स्थिति बन रही है, जैसा मैं चर्चा के आरंभ में आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ, सिंह राशि में 31 अगस्त से लेकर और 24 सितंबर के बीच में ये बनेगी सिंह राशि में एकादश भाव में आपके चार्ट में 11th हाउस में सूर्य शुक्र का संबंध। सूर्य शुक्र का संबंध तो 17 तक रहेगा, सितंबर तक, उसके बाद शुक्र अकेले रहेंगे 24 तारीख तक। तो परिणाम कैसे मिलेंगे आप तुला लग्न राशि के जातकों को, साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है, सबसे पहली बात तो आपको बता दूँ कि देखिए ये योग जो बन रहा है ना सूर्य शुक्र का, इसके कारण जो है, एक तो आपके जो आय जो मतलब इनकम, धन की स्थिति, धन का आगमन बहुत अच्छी रहने वाली है आप तुला लग्न राशि के जातकों का। यानी कि ये कहा जा सकता है, मैं इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपसे, कि जब तक सूर्य शुक्र का ये योग बनेगा यहाँ और शुक्र रहेंगे आपके सिंह राशि में, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे पैसे को लेकर के, धन का आगमन भी बना रहेगा बराबर बढ़िया। और विद्यार्थी जो हैं स्टूडेंट्स, उनको कहना चाहूँगा कि देखिए 17 तक, महीने की 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड लापरवाही ना करें, केयरलेस ना हो। अगर आप थोड़े भी केयरलेस हो गए तो आपके रिजल्ट्स भी इधर उधर हो सकते हैं। हाँ 17 तारीख के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आने की संभावना बन रही है 17 से लेकर 24 तक के बीच में। तो जो अगर आपने पहले प्रयास किए होंगे या जो भी आपने कहीं आप अपीयर हुए होंगे एग्जामिनेशन के अंदर, उसके रिजल्ट्स अगर 17 से 24 के बीच में आएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का बहुत मिला जुला आपको 17 तारीख तक सहयोग मिलेगा, मिला जुला। लेकिन 17 से 24 के बीच में आप अगर अपने बड़े भाई बहनों से कोई काम आप निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी तरफ से नानी होगी, पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और 17 से ही 24 के बीच की बात कर रहे हैं, आपके मित्रों का भी आप भरपूर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये स्थिति आपकी रहने वाली है। आगे बात करेंगे वृश्चिक लग्न राशि के जातकों की, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं आपके चार्ट में, जो शुक्र हैं एक तो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं 12th हाउस के, एक 7th हाउस के, 7th हाउस में उनकी वृषभ राशि है और 12th हाउस में उनकी तुला राशि है। लेकिन शुक्र की जो पोजीशन है सूर्य के साथ सिंह राशि में 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक वो दशम हाउस में रहेगी, मतलब 10th हाउस में, दशम भाव जो आपके करियर का भाव है, बहुत अच्छी स्थिति है। मैं कहता हूँ कि ये जो समय है, एक महीने का जो पहली तारीख है उसी से ही कह लीजिए, 31 तारीख को ही आ जाएंगे यूँ तो शुक्र यहाँ पर आपके दशम भाव में करियर हाउस में, सूर्य पहले से ही विराजमान है, तो शुक्र आकर के क्या करेंगे कि सूर्य को और अधिक सपोर्ट करेंगे। और जब इनको ये सपोर्ट करेंगे तो आपके सफलता के, आपके उन्नति के जो चांसेस हैं वो और अधिक प्रबल हो जाएंगे, सूर्य की स्थिति को ये और मजबूत कर देंगे। बेशक चाहे सूर्य उनके शत्रु हैं, शुक्र उनके आपस में एक दूसरे के शत्रु जरूर हैं, लेकिन सूर्य को शुक्र का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपके आगे बढ़ने की, आपकी उन्नति की, सफलता की बहुत अच्छी प्रबल संभावना बनाएंगे। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, ये बहुत सुंदर राजयोग भी है। आपको कहीं से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और एक से अधिक मिल सकती है,
लेकिन अगर एक से अधिक हैं तो आप उसमें थोड़ा जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके फैसला करें। ये अवसर ऐसा है कि रोज़ रोज़ नहीं आता जातकों के जीवन में, ऐसे योग कम बनते हैं, तो इसका लाभ जरूर ले लें। आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों से ये बात हम कह रहे हैं। हालांकि सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, 17 तारीख तक तो थोड़ा मिला जुला ही प्रभाव रहेगा, सुख सुविधाओं का मिले जुला आप लाभ ले पाएंगे सामान्य तौर पे, सामान्य से मध्यम तौर पे। लेकिन 17 से 24 तक के बीच में आप कोई नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, पुराना वाहन निकाल करके कोई नया खरीद सकते हैं। 17 से 24 के बीच में है तो 7 ही दिनों का लिए ये योग, लेकिन बड़ा सुंदर योग है। आप कोई या तो वाहन खरीदें या अपनी सुख सुविधाओं से संबंधित कोई और अच्छा, कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, आइटम खरीद सकते हैं, कोई लग्जूरियस आइटम। और दूसरी बात यह भी है कि जो एम्प्लॉई हैं या व्यवसायी हैं वो अपने कार्य को लेकर के कहीं दूर दराज की भी यात्रा कर सकते हैं, उनको जाना पड़ सकता है कहीं दूर दराज कार्य के सिलसिले में, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। और जो महिला पुरुष हैं विवाहित वृश्चिक लग्न राशि के जातक, उनका जो स्थिति है वैवाहिक, वो थोड़ी सी उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि सामान्य रहेगी स्थिति, सामान्य से भी थोड़ा बीच बीच में नीचे भी जा सकता है आपका ग्राफ, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करेंगे धनु लग्न राशि के जो जातक है, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक, तो ये सिंह राशि में सूर्य और शुक्र की जो संबंध हमने बताया है, जो रहने वाला है 31 तारीख से 17 तक और 17 से 24 सितंबर तक शुक्र अकेले रहेंगे सिंह राशि में, तो आप धनु लग्न राशि के जातक जो हैं उनके चार्ट में जो शुक्र हैं उनकी तुला राशि आपके 11th हाउस में है और उनकी वृषभ राशि जो है टॉरस साइन वो आपके छठे भाव में है, यानी कि आपके चार्ट में छठे भाव के और एकादश भाव के लॉर्ड हैं शुक्र। लेकिन उनका सूर्य के साथ जो संबंध बन रहा है, बनेगा 31 अगस्त से लेकर 24 तक रहेंगे वो यहाँ, और वैसे संबंध सूर्य के साथ 17 सितंबर तक रहेगा, वो आपके नवम भाव में रहेगा जहाँ पर सिंह राशि है। अब नवम भाव में सूर्य और शुक्र का एक साथ यहाँ पर संबंध बनना 17 सितंबर तक और उसके बाद 24 तक शुक्र अकेले यहाँ पर बने रहेंगे, तो किस प्रकार के परिणाम आपको धनु लग्न राशि के जातकों को ये देने वाले हैं। पहली बात तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा डबल माइंड भी रह सकते हैं। किस बात को लेकर के? एक तरफ आपका इच्छा करेगा कि मैं खूब हार्ड वर्क करूं, परिश्रम करूं, खूब एफर्ट लगा करके अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी आप कार्यरत हैं रोजगार में या व्यापार में, मैं अपने मेहनत से आगे बढ़ूं। लेकिन दूसरी ओर ये भी जी आपका दिल करेगा, ऐसी भी विचार मन में आएंगे, अरे ज़्यादा इतना करके भी क्या करना है, उतना ही करो जितना ज़रूरत है, फालतू क्यों करें, क्या फ़ायदा है करने से। तो ये इस प्रकार का आपका जो है डबल माइंड रहेगा। हालांकि भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ये तो इसमें तो ये तो निश्चित है, आप धनु लग्न राशि के जातकों को भाग्य का तो पूरा सपोर्ट मिलेगा सूर्य शुक्र के कारण। और दूसरा, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं ना छात्र, उनकी भी स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे वो इस 24 सितंबर तक, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और आपसे बात करें, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा, धन का आगमन भी बहुत अच्छा रहेगा, मतलब सामान्य से ऊपर रहेगा, सामान्य से ऊपर मध्यम आता है, मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर, ऐसी स्थिति आपकी रहेगी धन के आगमन की, यानी कि आपकी इनकम की। जहां तक शत्रु पक्ष का प्रश्न है या कोर्ट कचहरी में कोई अगर मामला मुकदमा चल रहा है उससे रिलेटेड कोई, तो आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि 17 तारीख के बाद महामध्य के उपरांत 24 तारीख तक उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी हो जाएगी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में, लीगल एक्ट जो भी एक्ट है उनमें। आगे हम बात करते हैं आपके साथ जो मकर लग्न राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं 10th हाउस के, करियर हाउस के, वहाँ तुला राशि है उनकी,
और दूसरा वो पंचम भाव के स्वामी है, फिफ्थ हाउस के, जहाँ उनकी वृषभ राशि है। लेकिन सूर्य और शुक्र की जो युति बनेगी, संबंध बनेगा सिंह राशि में 31 अगस्त से 17 सितंबर तक, वो बनेगा एर्थ हाउस में, जहाँ पर सिंह राशि है आपके चार्ट में, एर्थ हाउस में रहेंगे शुक्र। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, छात्र लोगों के लिए तो थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी, आपको अपनी पढ़ाई पर, अपनी एजुकेशन पर अधिक फोकस करना पड़ेगा। और जरा सी भी कहीं अगर आपसे चूक होती है या लापरवाही होती है आपके द्वारा, तो फिर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रहेगा, रिजल्ट्स आपके प्रभावित ज़रूर होंगे। तो यहाँ पूरा ही अपने आप को थोड़ा अपने मतलब लगा के रखें, अपने एजुकेशन को लेकर के गंभीर रहें, सीरियस रहें, थोड़ी भी लापरवाही आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। वैसे भी पढ़ाई में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इस बात की भी अच्छी संभावना है। तो साथियों, अपना जो छात्र हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को लेकर के पूरा गंभीर रहिएगा। दूसरा, शुक्र और सूर्य का जो साथ है, जहाँ तक आपके धन की स्थिति का सवाल है, तो धन का आगमन तो बहुत प्यारा है पूरे महीने ही, लेकिन जो आप सेविंग करेंगे 17 सितंबर तक, तो सेविंग्स आपकी जो प्लानिंग करेंगे वो इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन 17 से अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा अपना कहीं सही जगह, या आपको सेव करना है अपना मनी, तो 17 से 24 का समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवारजन हैं, उनके साथ भी 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक तो मिला जुला आपके संबंध रहेंगे, सामान्य जिसको हम बोल देते हैं दूसरे शब्दों में। 17 तारीख से 24 तारीख तक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन आपके रहेंगे अपने परिवारजनों के साथ, और आप उनके प्रति जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो भी आप पूरे सिंसियरिटी के साथ पूरी करने की कोशिश करेंगे, और परिवार की ओर से भी आपको ऐसा ही सहयोग मिलेगा 17 सितंबर से 24 सितंबर के बीच। और जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से भी अच्छा आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ जरूर प्राप्ति होगी, इसकी भी संभावना बहुत अच्छी है। जहां तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में तो थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है आपको, अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, संघर्ष करेंगे तो चीजें आपके हिसाब से ही चलेंगी आगे, संघर्ष मांग रहे हैं ग्रह आपके आपसे। आगे बात करते हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों के विषय में, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं आपके चार्ट में। प्रिय साथियों, शुक्र जो है एक तो नवम भाव के स्वामी है, वहाँ पर तुला राशि है, और दूसरे वो फोर्थ हाउस के स्वामी है, वहाँ पर उनकी वृषभ राशि है। और सूर्य शुक्र का जो संबंध है 31 अगस्त से 17 सितंबर तक तो सिंह राशि में रहेगा ही, और 17 से 24 तक शुक्र अकेले रहेंगे यहाँ पर, सूर्य निकल जाएंगे। तो परिणाम किस प्रकार के आपको देने वाले हैं ये इनकी युति जो है सूर्य शुक्र की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आप अपने कार्य के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, उनको लेकर के भी आप काफ़ी गंभीर रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, लेकिन दूसरे तरफ मनोरंजन का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, वहाँ पर भी आप उसका भी पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे अपने कार्यों के साथ साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ ये कार्य भी आपका पैरेलल वे में चलेगा, कुंभ लग्न राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से, और ये 17 तारीख तक ज़्यादा रहेगी स्थिति, वैवाहिक जीवन में भी इसी प्रकार के हालात रहेंगे कि वहाँ पर भी परिवार मतलब अपने जो लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा कहा सुनी कुछ हो जाए लेकिन स्थिति वहाँ भी अच्छी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन आराम से निकलेगा। अब इसके अतिरिक्त ये है कि देखिए, भाग्य जो है आपका, भाग्य का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें बीच बीच में जरूर आपको लगेगा कि कहीं कहीं कमी रह गई है, ऐसा कुछ जरूर महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी 50% तक आपका भाग शुक्र के कारण आपका अच्छा रहेगा इस ड्यूरेशन में 31 से लेकर 24 के बीच में। हालांकि पहले तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको भाग्य को लेकर के, भाग्य का आपका साथ में कुछ कमी महसूस हो रही है आपको, लेकिन इस ड्यूरेशन में जब तक शुक्र रहेंगे सिंह राशि में, भाग्य में थोड़ा सा आपको
सपोर्ट मिलेगा। और कोई वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। बावजूद इसके कि आपको तनाव की स्थिति भी रहेगी, थोड़ी बहुत मेंटल टेंशन भी रहेगी, बावजूद उसके आपके लिए कुछ इस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलने वाले हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया अलग अलग फील्ड्स में। आगे बात करेंगे अंत में मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, पाइसिस असेंडेंट बेस जो जातक है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो तुला राशि है उनकी शुक्र की, वो एर्थ हाउस में है, एर्थ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और एक है वो थर्ड हाउस के लॉर्ड। थर्ड हाउस का मतलब तृतीय भाव, वहाँ उनकी वृषभ राशि है, और सूर्य के साथ शुक्र रहेंगे 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सिंह राशि में छठे भाव में, और 17 से लेकर 24 तक ही अकेले रहेंगे सिंह राशि में। यही हमने आपको बताया चर्चा के आरंभ में। अब इनके जो द्वारा मिलने वाले आपको रिजल्ट्स हैं, सबसे पहली बात आपको बता देना चाहूँगा मीन लग्न राशि के जातकों को कि 17 सितंबर तक, बल्कि 24 सितंबर तक, पूरे 24 दिन सितंबर के पहले 24 दिन साथियों आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई लीगल मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट कचहरी आदि में, उसको जितना जल्दी आप करा सकते हैं कार्यवाही उसमें करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ का जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो आप ही के फेवर में आने की काफ़ी अच्छी संभावना है। तो थोड़ा सा उसको, अगर वो किसी वजह से उसमें गति नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़वा करके जल्दी से जितना भी आप कर सकते हैं अपनी ओर से एफर्ट, और उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है 24 तारीख तक। इसके अतिरिक्त थोड़ी दूर दराज की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, हालांकि उनके रिजल्ट्स मिले जुले आपको प्राप्त होंगे, और अगर आप रोजगार में हैं तो वहां पर अचानक आपकी पदोन्नति का भी योग बन रहा है। यहां पर अचानक छोटा मोटा ही पदोन्नति हो, छोटी मोटी जिम्मेदारी कोई आपको मिल जाए, लेकिन मिलने की अच्छी संभावना है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है प्रिय साथियों, आपको अपने मामी मामा पक्ष से भी 17 सितंबर तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं, वहाँ से भी उनका सहयोग या उनकी ओर से कोई ऐसा आपको कोई समाचार मिल जाए जिससे आपको प्रसन्नता हो, या उनके द्वारा आपका कोई कार्य पूरा हो जाए, तो मामा मामी पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है। और बहुत आप ऊर्जावान रहेंगे, काम अपना जो भी करेंगे, कार्य जो भी करेंगे, पूरे मेहनत और परिश्रम से करने में बिलीव करेंगे आप, तो ये इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है मीन लग्न राशि के जातकों की। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो हमने चर्चा की है आज शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के उपरांत जो आप सभी 12 लग्न राशियों के जातकों को मिलने वाले रिजल्ट्स हैं उनके विषय में चर्चा थी। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है प्रिय साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें कि भाई शुक्र के रिजल्ट्स जो हैं सिंह राशि में रहते हुए और अपने मित्र ग्रहों के या अपने नक्षत्र में रहते हुए किस प्रकार के मिलने वाले हैं, उनको भी जानकारी होगी इस बात की। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे उनकी सबकी नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो बेल आइकन है इसको आप जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।